चंदन डे के साथ आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हम लोग काटते यही हकीकत है, ये जो कुत्ता काटता है कुत्ता हमसे डरा है, इसीलिए काटा है। जिस दिन हम डरने लगेंगे ना तो हम लोग काटना शुरू करेंगे। इसलिए तो हम लोग सीख चीज है थोड़ा सा कि नहीं बोलो। तो ये जब सांप काट रहा है ना, तो सांप जब नीचे काट रहा है, देखिए दर्शक को पहले कम करें उसके बाद देखा जाएगा कौन सा सांप काट रहा है। दर्शक को कम करने के लिए सबसे पहले एक काम लीजिए, अगर एक सांप का निशान मिलता है वो नॉन पॉइजनस है, वो नॉन पॉइजनस में काटा है। जहां पर बाइटिंग का निशान है दांत का, उससे दो से तीन इंच ऊपर, उससे दो से तीन इंच ऊपर एक गांठ और बांध देंगे। देखिए नैरो बैंडेज से एक गांठ और बांधेंगे। अभी यहां रोके थे, अभी यहां रोक रहे, इतना तो गारंटी है। अगर इतना फर्स्ट एड कर दिया ना, डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि इसको काट के गया पैर पूरा, समय पे गोल्डन आवर पे अगर ये फर्स्ट एड दे दिए तो निश्चित सुरक्षित आप वहां तक उसको पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपको 100% मालूम है कि ये पॉइजनस निकल रहा है, जहर इसका फैलेगा। लेकिन हम जहर को रोक सकते हैं, अभी पहले एक जगह रोके, अभी दो जगह रोके, इसके बाद साफ पानी में भी धो लीजिए। धोके अगर सांप का दांत दिया है तो उस जगह में ये भी जाएगा फूस करने से, यहां तक पूरा फेर मत दीजिएगा, खाली ये वाला हाथ का खाली उसको मुंह में जाना चाहिए और धीरे से इसको ऐसा खींचना। तो यहाँ पर कौन सा आएगा पॉइजनस, पूरा रिलीज नहीं होगा, हल्का ब्लैकिश उसमें मिक्स होता होता है, मिक्स हुआ वहां से धीरे से निकाल देंगे। अब तो ये मेरा पास आ गया का औजार ना, इसको चमका बताइए आज का कार्यक्रम क्या। देखिए ये वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज होता है, 12 जनवरी से लेके ब्लड मोटिवेटर प्रोग्राम का शुरुआत प्रति रविवार शाम 4 बजे से 6 बजे तक जमशेदपुर ब्लड सेंटर में ही आयोजित होता है, जिसके तहत जो कि 14 जून को इसका समाप्ति है विश्व रक्तदाता दिवस के दिन। तो आज प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के जिम्मे आता है पूरा एक दिन व्यापी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाला सेफ्टी फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी प्रिपेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें बारीकी से तो हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि एक दिन का तो आपका फर्स्ट एड का कोर्स नहीं है, ये लंबा चलने वाला, लेकिन समय कम है और हर रविवार को आप देख रहे होंगे कि इसमें लड़के लड़कियाँ सभी इसमें एज ए ट्रेनी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जरूरतमंद कैजुअल्टी या कोई भी ऐसे लोग इन्हें मिले तो निश्चित तौर पर मानव सेवा के नाते इनका कदम जरूर आगे बढ़ेगा और यही कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक सार्थक पहल होगा। आपको आज ट्रेनिंग देने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है कि किस तरह से ये लोग इसको आगे बढ़ाए? नहीं आज तो सही में वो गर्व करने का दिन था, क्योंकि आज लगभग सारे जो भी लाइव प्रैक्टिकल है इन महिलाओं के द्वारा ही कराया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर जगह लोग जो भी ट्रेनर होते हैं वो अपने ही वो करके दिखाते हैं, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं मिलता जितना इन लोगों ने अपने ही से किया। और हम इसीलिए आश्वस्त हो जाते हैं कि पहला बार जब ये कर रहे हैं और हमको ये मौका ही नहीं दिया कि हम उसको बोल सके कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक हो रहा है, पहले ही बार में इतना सुंदर इन लोगों का प्रेजेंटेशन है। तो ये सही में कहीं ना कहीं शिक्षा जो संस्कार में तब्दील होता है, जिसके अंदर शिक्षा रहेगा उसके अंदर लाइफ में जो हम लोगों का एक बहुत ही सोच जो है पॉजिटिव और एक सपना है कि गोल्डन आवर में हम किसी पीड़ित को किस तरह से घटना स्थल से अस्पताल तक जल्द से जल्द उनको पहुंचा सके, जिसका जीता जागता उदाहरण आज ये लोग ने सब पेश किया। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट हैंड चेंज, खाली हाथ चेंज करके उधर घूम जाइए, फेस उधर कर लीजिए, हो गया हेड पास हो गया, बस इसको यहां रखिए, चेंज हुआ एम्बुल
एम्बुलेंस दरवाजा खुला हुआ, आप एम्बुलेंस बहुत समय क्या होता है देखिए कि ये वो नीचे में देख रहे हैं ना दो खाली हाथ, क्योंकि देखिए घायल है, हड्डी टूटा होगा, बहुत सारा चीज है ना, इसीलिए तो हम इतना खींच रहे हैं धीरे धीरे हो गया। धीरे से कैजुअलिटी को अपने जांघा पे रख, आपकी सपोर्ट कीजिएगा, चलिए उठाइए, धीरे से अपने जांघा पर कैजुअलिटी को रख, कितना सुंदर, ग्रेट, चलिए तब तक आपका हो गया, बहुत सुंदर। कौन बोलेगा स्ट्रेचर से भी सीधा है, स्ट्रेचर से भी सीधा है, धीरे से कैजुअलिटी को स्ट्रेचर पे रख, वाह वेरी गुड। जो हम लोगों का एक बहुत ही सोच जो है पॉजिटिव और एक सपना है कि गोल्डन आवर में हम किसी पीड़ित को किस तरह से घटना स्थल से अस्पताल तक जल्द से जल्द उनको पहुंचा सके, जिसका जीता जागता उदाहरण आज के लोग ने सब पेश। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ NIS मीडिया के साथ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।